बाबा रामदेव के सहयोगी और उनके परम शिष्य आचार्य बालकृष्ण का एम्स हॉस्पिटल में भर्ती होना इन दिनों पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। आखिर क्या वजह है कि बाबा रामदेव के शिष्य और उनके सहयोगी बालकृष्ण को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। सबसे पहले तो ये खबर आई कि इनको अटैक आया है, यानी हार्ट अटैक आया है। इसके बाद यह खबर आई कि नहीं, उन्हें पेट में कुछ दिक्कत हो गई, यानी पेट में इन्फेक्शन हो गया। उसके बाद अपुष्ट समाचार यह भी आए कि उनकी जो जांच अस्पताल द्वारा खून की गई उसमें गांजे की मात्रा मिली है। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो पाई, लेकिन यह मामला भी सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना। अब सवाल सबसे पहला यह उठता है कि बाबा रामदेव की कंपनी, जो कि खुद हार्ट अटैक की दवाइयाँ बनाती है, तरह तरह की दवाइयाँ वे बेचते हैं और पूरे देश में योग का प्रचार करके यह बताते हैं कि उनके योग और उनकी दवाइयों से व्यक्ति को जीवन में कभी भी हार्ट अटैक नहीं हो सकता, ऐसी स्थिति में आचार्य बालकृष्ण को ही अटैक कैसे आ गया? अगर उन्हें अटैक आया है तो फिर उन दवाइयों का क्या हुआ जिनका सेवन वे खुद करते थे? और सबसे बड़ी बात यह है कि ये तो योग के महारथी थे, योगासन के माध्यम से सभी तरह की बीमारियों को दूर कर लेते थे, ऐसे में हार्ट अटैक क्यों आया? अब बचा दूसरा सवाल। बाद में यह कहा गया कि उन्हें पेट में इन्फेक्शन हुआ है, तो पेट में इन्फेक्शन कैसे हुआ इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। क्या कुछ गलत खाने में आया? आखिर हुआ क्या ऐसा जिसके कारण इन्फेक्शन हुआ? इसके बाद तीसरा मामला यह सामने आया, कुछ अखबारों में रिपोर्ट यह छपी और सोशल मीडिया पर भी यह खबर चली, उनकी जो खून की जाँच की गई एम्स हॉस्पिटल द्वारा, उसमें गांजे की मात्रा पाई गई। तो क्या आश्रम में गांजा पिया जाता था? बाबा रामदेव का यह परम शिष्य आचार्य बालकृष्ण क्या गांजा पीता था? हालांकि यह भी कहा गया कि इस रिपोर्ट की पुष्टि एम्स ने तो नहीं की है, इसलिए हो सकता है कि सोशल मीडिया पर इस बात को वायरल किया गया हो। कुल मिलाकर आचार्य बालकृष्ण की जो स्थिति बनी और जिस तरीके से उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा, उसको लेकर पूरे देश के लोगों में यह चर्चा उठी कि इतने बड़े योगाचार्य को भी हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा, तो आखिर आश्रम की दवाइयों का क्या होगा? लोगों को जिस तरह से यह विश्वास दिलाया जा रहा है कि योग और उनकी दवाइयों से सब तरह की बीमारियों से निपटा जा सकता है, ऐसे में इस पूरे मामले में आचार्य बालकृष्ण को हॉस्पिटल में भर्ती क्यों होना पड़ा? सोशल मीडिया पर यह भी वीडियो वायरल हुए और चर्चा चली कि आश्रम में कुछ गतिविधियां चल रही है जिनका शिकार आचार्य बालकृष्ण हुए हैं। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।